नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। 25 से 27 अक्टूबर तक गांवों में किसानों के बीच होगी सरकार। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए करेंगे हर संभव उपाय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली उच्च स्तरीय बैठक। भगवान बुद्ध ने दुनिया को शाश्वत शांति का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश के दर्शन। और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत नहीं आए, पेयजल योजनाओं को समय सीमा में करें लागू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रशासनिक सेवा, वन सेवा एवं पुलिस सेवा के मंत्रालय और मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी 25, 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश के गांवों में जाएंगे। वे आवर्षा से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के बीच बैठकर स्थिति पर चर्चा करेंगे, साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की भी जानकारी लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संकट की स्थिति से अधिकारियों का अवगत करवाते हुए कहा कि ये समय मंत्रालय में बैठने का नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों के बीच बैठने, उनका दुख दर्द सुनने और उन्हें अधिकतम राहत देने के उपाय करने का है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये निर्देश दिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भगवान बुद्ध का प्रेम, करुणा और आत्मीयता का संदेश दुनिया को सही राह दिखा सकता है। उनके बताए मार्ग पर चलकर शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तुलसी नगर स्थित करुणा बौद्ध विहार में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पवित्र अस्थियों के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। श्रीलंका से तथागत बुद्ध की अस्थि कलश यात्रा आज भोपाल पहुंची है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा के प्रसार के लिए मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसमें बौद्ध दर्शन और संस्कृति की शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए अभी से प्रबंध करें, पेयजल योजनाओं को समय सीमा में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी ग्रामों में नल जल योजना के माध्यम से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने का रोड मैप बनाएं, ग्रामों में पेयजल उपलब्धता का वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे करवाएं, सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शासकीय भवन और सड़क की गुणवत्ता परीक्षण की सुविधाएं होना जरूरी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने ये निर्देश जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में दिए। गुप्ता ने इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज और तकनीकी संचालनालय में बायोमेट्रिक मशीन लगवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अध्यक्ष वरिष्ठ प्राध्यापक को ही बनाया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने अधिकारियों को पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में गुणवत्ता का ध्यान रखने को कहा है। पारस जैन आज पाठ्य पुस्तक निगम के शासी मंडल और साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा एस आर मोहंती, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र दीप्ति गौड़ मुखर्जी भी उपस्थित थी। एमपी लाइव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ ईएमएस टीवी के ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।